तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी 2017 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर के सॉल्व क्वेश्चंस बताऊंगी तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2017 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर का तो हमारा क्वेश्चन क्या है रेड नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखना है सो डैट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा है सबसे पहले हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक क्या है हमारे कंडीशन इफ़ एफ जेड इज टू यू प्लस का आई वाई इज एनालिटिक इन ए डोमेन कैपिटल डी हमारा कोई फंक्शन है एफ जेड जो क्या है यू प्लस का आई वी जो हमारा क्या है एनालिटिक है इन द ए डोमेन डी में देन यू कॉमर वी सेटिस्फाइज द इक्वेशन डेर यू अपॉन डेर एक्स इज्कल टू डेर व्यू अपॉन डेर वाई एंड डेर वी अपॉन डेर वाई इक्वल टू माइनस का डेर अपॉन डेर एक्स ये हमारी कौशी रिमान इक्वेशन होती है तो हमें इसमें नेसेसरी कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा कोई भी फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वाई इज एनाटिक इन ए डोमेन कैपिटल डी देन यू कमर वी सेटिसफाइज द कौशी रिमान इक्वेशन डेर यू जो हमारी इक्वेशन है उसको हमने लिखा एंड प्रोवाइडेड द फोर फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं डेर अपॉन डेर कॉमा कॉमर अपॉन डेर वाई इन कॉमा डैर वी अपन डेर वाई कॉमर डेड वी अपॉन डेर इज एक्सिस्ट तो हमारी नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या होती है कि जो हमारा फंक्शन होता है एवजेक्ट एनालिटिक है इन डोमेन डी में वो हमारी अगर कौशी ईमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो हमारे क्या कहलाती है नेसेसरी कंडीशन कहलाती है तो ये हमारा इसको आप इतना ही लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं सफिशियंट कंडीशन की तो सफिशियंट कंडीशन क्या है हमारी सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू वी एनालिटिक इसके लिए हमारा क्या है द फंक्शन डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वाई इज एनालिटिक इन ए डोमेन कैपिटल डी तो सफिसियट कमाई कंडीशन जो होती है वो होती है कि एक कोई भी हमारा फंक्शन है डब्ल्यू इज्क्ल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वाई जिसे हम कहते हैं ये एनालिटिक है इन ए डोमेन कैपिटल डी तो सफिसेंट कंडीशन माई क्या दो कंडीशन होती हैं सफिसियट कंडीशन में पहला है यू कॉमा वी आर डिफ्रेंशिएबल इन डोमेन डी एंड यू एक्स इज्क्ल टू वी वाई कॉमर यू वाई इज्क्वल टू माइनस का वी एक्स एंड जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है वो है हमारा द पार्शल डेरीवेटिव यू एक्स यू वाई कॉम वी एक्स कॉमा वी वाई ऑल आर कॉन्टीन्यूस इन डोमेन तो ये हमारी हमारी सफिशेंट कंडीशन है फॉर एफजेड टू वी एनालिटिक एंड दिस इज द हमारी नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू वी एनालिटिक तो चलिए आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सो डैट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइ लाप्लास इक्वेशन हमें ये रियल एंड इमेजनरी पार्ट के लिए लाप्लास इक्वेशन है वो हमें सेटिस्फाई करनी है तो चलिए हम इसको देखते हैं तो अभी तक हमने इसका पार्ट वन सॉल्व किया था अब हम करेंगे इसका पार्ट टू सॉल्व जिसमें मैं आपके अभी हमने नेसेसरी एंड ने सफिशिएंट कंडीशन लिखा अब हम करेंगे कि हम कैसे इसको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हमें क्या है लेट एफ जेड इज्कवल टू यू प्लस का आई वी हमारा कोई फंक्शन है एफ जेड यू प्लस का आई वी वी एन एनालिटिक फंक्शन सो डैट कौशीमान इक्वेशन आर सेटिसफाइज हमारा कोई फंक्शन है यू प्लस का आई वी एनालिटिक फंक्शन है तो हमें क्या करना है कौशलमान इक्वेशन सेटिसफाइज करानी है तो यू एक्स इज्वल टू वी वाई एंड वी वाई इज्क्ल टू माइनस का वी एक्स ये हमारी कौशल इक्वेशन होती है तो इसको हमने इक्वेशन वन माना एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर टू माना सो टू प्रूव डैट डे स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो एंड डे स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो हमें प्रूफ करना है कि रियल एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो सेटिस्फाइज करते हैं लाप्लास इक्वेशन को तो हमने वही लिखा है डेर स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो एंड डेर स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो अब पार्शियल डिफरेंशियल वन एंड टू जो हमारी इक्वेशन वन है इसका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सो इसका क्या आ जाएगा यू एक्स 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 के सापेक्ष हम करेंगे एंड वाई के सापेक्ष करेंगे तो यू एक्स एक्स इक्वल टू वी एक्स वाई कॉम यू वाई वाई को इक्वल टू माइनस का वी वाई एक्स इक्वल टू माइनस का वी एक्स वाई तो ये हम लिख सकते हैं वी एक्स वाई इक्वल टू हमारा क्या होता है वी वाई एक्स होता है तो हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का वी एक्स वाई अब हमने जो ये इक्वेशन करी है इन दोनों इक्वेशन को हम एडिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यू एक्स एक्स प्लस का यू वाई वाई इक्वल टू वी एक्स वाई माइनस का वी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो वी एक्स वाई से हमारा वी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू इक्वल टू तो जीरो यानी कि हमारा जो लाप्लास इक्वेशन है रियल एनालिसिस रियल रियल के लिए रियल पार्ट जो है हमारा डेल स्क्वायर यू इक्वल टू तो जीरो इसके लिए हमारी लाप्लास इक्वेशन है वो हमारी सेटिस्फाई करती है अब हम अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू तो वन एंड टू विथ रिस्पेक्ट टू तो वाई अब हम फिर से इसका जो हमारी जो इक्वेशन है जो हमारे पास इक्वेशन है वन एंड टू का इनका हम फिर से एक बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वाई एंड एक्स के हिसाब से सॉरी तो हमारा क्या हो जाएगा यू वाई एक्स इक्वल टू वी वाई वाई एंड वी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस का यू एक्स वाई एडिंग इन दोनों को हम फिर से एडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा वी एक्स एस प्लस का वी वाई वाई इक्वल टू यू एक्स वाई माइनस का वी यू एक्स वाई तो ये हमारा क्या हो जाएंगे यू एक्स वाई से यू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा हमारा डैश का वी इक्वल टू जीरो तो ये हमारी क्या है सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स पार्ट तो हमारा क्या है हमने इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट दोनों को प्रूव कर दिया है तो यहीं पे ये यह हमारा क्वेश्चन क्या होता है पूरा कंप्लीट होता है तो आप देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा जो 2017 का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है तो फ्रेंड्स ये हमारा सुंदटीन का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमें क्या दिया है डिफाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज फाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ़ द फॉलोइंग पावर सीरीज हमें बताना है रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंट की हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है डिफ़ाइन करना है रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड हमें जो ये क्वेश्चन दिया है ये सीरीज़ दिए इसका हमें रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंस डिफ़ाइन करना है तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता दूँ आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको टू एंड टू एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के सभी क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड करे क्वेश्चन पेपर आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना सकूँ प्रोवाइड करा सकूँ तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन तो सबसे हम पहले क्या करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं तो हमारी डेफिनेशन क्या है रेडियस में द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज समेशन एन स्क्वर्ड जीरो टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन इज़ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट डिस्क इन विच द सीरीज कन्वर्जेंस इट इज आइदर इन नॉन नेगेटिव रियल नंबर और इनफाइनाइट तो फ्रेंड्स ये हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफ़िनेशन है तो चलिए अब हम इसको जो हमारी पावर सीरीज़ दी है उसके हम रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंस डिफ़ाइन करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सॉल्यूशन और पा और देखने के लिए अभी मैं आपको और भी सॉल्यूशन दूंगी उन्हें देखने के लिए प्लीज़ वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है तो हमारा ये पावर सीरीज़ क्या थी हमारे पास पावर सीरीज़ हमारी क्या होती है एफ जेड इक्वल टू My summation n is called 0 to infinite a n z minus a key whole power n. The radius of convergence r is a non-negative real number or infinite. Such that series convergence if mod z minus a less than r and divergence if mod z minus a less the cap sorry greater than r. तो इसके हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के डिफाइन करने के कौन से फॉर्मूले होते हैं हमारे दो फॉर्मूले होते हैं पहला है वन अपॉन आर स्क्वल टू लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ए एन की ओर पाव वन अपॉन एन एंड सेकेंड है हमारा वन अपॉन आर स्क्वल टू लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की होर पाव मॉड ठीक है ये हमारा क्या है ये हमारी पूरी डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की तो यहाँ ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी डेफिनेशन इसकी लॉन्ग करके डेफिनेशन थोड़ी दी है अगर आपको ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इसको शॉर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं तो चलिए तो हमें सीरीज क्या थी गिव इन द पावर सीरीज वन प्लस का ए डॉट वी अपॉन वन डॉट सी इंटू जेड प्लस का ए ए प्लस वन इंटू वी वी प्लस वन अपॉन वन इंटू सी टू सी इंटू सी प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस का एंडस ऑन ऐसे ही हमारी सीरीज चल रही है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अब हम इसका देखेंगे ए एन व पद ए एन व पद हम निकालेंगे तो ए एन स्क्वायर टू कितना हो जाएगा हमारा ए ए प्लस वन एंड सोन यानी कि हमारा क्या चल रहा है ए फिर ए प्लस वन फिर वी वी प्लस वन ऐसे ही हमारी क्वेश्चन क्या है चलती जा रही है ऊपर तो हम क्या लिखेंगे ए ए प्लस वन एंड सोन ए प्लस एन माइनस वन v v वी प्लस के प्लस का एंडसॉन v प्लस n minus one अपॉन one into two into three नीचे हमारा one into c वन इंटू टू सी वन इंटू सी सी प्लस वन तो इसमें हमारा क्या वन वन चलता है तो वन इंटू टू इंटू थ्री एंडसॉन कहाँ तक चलेगा ये हमारा एन तक एंड ऐसे ही हमारा सी टू सी सी प्लस वन ऐसे ही हमारा ये आगे चल तो किसको हम लिख सकते हैं सी इंटू सी प्लस वन प्लस का एंडसॉन सी प्लस का एन माइनस वन अब हमने ये हमारा क्या था हमारा ये ए एन व पद था अब हम क्या निकालेंगे इसका ए एन प्लस का वन वाला तो एन प्लस वन वाला निकालें तो कितना जाए ए एन प्लस वन इक्वल टू ए प्लस वन इन एंड सॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन इंटू वी वी प्लस वन एंड सॉन वी प्लस एन माइनस वन इंटू वी प्लस एन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सॉन ऐसे ही हमारा एन तक चलता रहेगा और एन एन प्लस वन इंटू सी सी प्लस वन एंड सॉन् सी प्लस एन माइनस वन सी प्लस एन तो ये हमारा क्या है ए एन प्लस वन है अब हम इसको क्या करेंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है किसी भी उसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करने का हमने अभी क्या पढ़ा था कि वन अपॉन आर इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनाइट मॉड ए एन की होल पावर वन अपन एन ये तो हमारे जब भी कोई हमें पावर दी होती तो उसके लिए हम ये सॉल्व करते हैं एंड सेकेंड है हमारा वन अप ऑन आर इज टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट मॉड ए एन प्लस अपॉन ए एन तो यही वाला हम फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे सीरीज में तो क्या है हमारा हम निकालेंगे ए ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ए एन तो हम देखेंगे जब हम इसको लिखेंगे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन तो हम देखेंगे कि इसमें ये हमारे टर्म क्या है एक जैसी ये टर्म ये टर्म एक जैसी तो हमारी ये कैंसिल हो जाएगी और कितना बचेगा ए प्लस एन इसमें से हमारा ए प्लस एन बचेगा और ऐसे ही इधर से हमारी पूरी कैंसिल हो जाएगी सेम है और हमारा कितना बचेगा वी प्लस एन तो हमने डॉट वी प्लस एन लिख दिया ऐसे ही डिवाइड बाई इसमें हम नीचे देखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा एन प्स वन यहाँ तक सेम है तो एन तक ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एन प्लस वन बचेगा और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा सी प्लस एन तो हमने सी प्लस एन लिख दिया अब इसमें क्या है एन कॉमन ले लेंगे तो ए अपॉन एन प्लस वन इन इधर से हमने एन कॉमन लिया तो वी अपॉन एन प्लस वन ऐसे हमने इनमें से एन कॉमन ले लिया तो एन हमारे कैंसल लेफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो बचेगी इसमें हम टेकिंग लिमिट तो हमने लिमिट ली तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए अपॉन एन प्लस वन डॉट वी अपॉन एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन इन सी अपॉन एन प्लस वन तो ये हमारी क्या आया ये हमारा पूरा निकल के आया वन अपॉन आर अब हम इसको क्या इसमें यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस वन तो हम इसका जब लगाएंगे सॉल्व करके हमारा कितना आएगा वन आएगा तो ये हमारा फॉर्मूला कितना था वन अपॉन आर का तो वन अपॉन आर इक्वल टू तो लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट एट मॉट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू तो कितना आया हमारा वन आया तो आर इक्वल टू तो कितना हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी निकल के आई आर फॉर इक्वल टू वन निकल के आई तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन था तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं केवल आपको एक ही दो ही एक ही क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन को डिफाइन करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाएगी बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको केवल ये दो क्वेश्चन बताए हैं और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं साथ ही साथ आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा अपने लेस्ट लेक्चर में मैं आपको लेक्चर टू में मैं आपको इसके और आगे के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन करूँगी तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो